हेलो नमस्ते, मैं हिमांशु राजपूत फ्रॉम द लर्नर्स हब। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एमपी पटवारी के एग्जाम्स पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और हम आ चुके हैं खालसा कॉलेज जबलपुर, जहां हम आए स्टूडेंट से पूछताछ करेंगे, थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे, उनसे जानेंगे एग्जाम्स का लुक ओवर, सेक्शंस कौन से ब्रीफ थे, कौन से टफ थे, कौन से ईजी, माइल्ड टू मॉडरेट, सब कुछ। हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए चलते हैं। हेलो सर, आपका नाम? राजकुमार पटेल। तो राजकुमार जी सर, कैसा गया मतलब आपका ओवरऑल पेपर? पेपर तो अच्छा गया, 125 नंबर आया सर। 125, ओके। तो सर आपको कैसा लग रहा है, मतलब अभी कैसा आया था पेपर? सेक्शन वाइज है थोड़ा। अच्छा, सेक्शन वाइज नहीं है, मतलब थोड़ा मिक्स है उसमें। मिक्स्ड है। अच्छा सर, मतलब अगर पर्टिकुलर उसमें जाए तो जैसे मैनेजमेंट अभी नया ऐड हुआ है, सर उसके बारे में आप ब्रीफ? मैनेजमेंट का बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, नहीं आया, मतलब मैथ्स के हिसाब से कुछ आया ही नहीं है। मैथ्स में कुछ डिफरेंट समथिंग क्वेश्चन मैथ में है, था अच्छा ही सब्जेक्ट। ओके जी, याद नहीं है मतलब मुझे क्वेश्चन। तो आपका क्या स्कोर लग रहा है, कितना ओवरऑल, मतलब कट ऑफ? कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, ओबीसी का 150 तक, 145 से 150 तक। ओके ओके, बस इतने में हो जाए, जिसका भी अगर 150 आ गया तो ओबीसी में हो जाएगा। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। फॉलो करिएगा लर्नर्स आपको यूट्यूब पे। हाय मैम, सो कैसा गया आपका पेपर? सर वेरी गुड। आपका नाम? प्रियांशी नाम थे। ओके, तो मैम क्या कैसा सेक्शन थे या मिक्स्ड थे? सर मिक्स्ड आए थे ऑल क्वेश्चंस। ओके, और मैम कैसा क्या था पेपर, माइल्ड? पेपर मॉडरेट था सर। ओके, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितना स्कोर आपको लग रहा है कि मतलब कितने मार्क्स? ऑन टाइम हमें आ रहा था, मेरे 91 एक्चुअली। हां, कुछ मतलब मैम ब्रीफ मैनेजमेंट जैसे नया ऐड हुआ है अभी, है ना, तो उसके हिसाब से कुछ ब्रीफ क्वेश्चंस आर इजी, बेसिक मैनेजमेंट आ रहा है। बेसिक मैनेजमेंट कट ऑफ तो सर एक्सपेक्टेड है 160-170। थैंक यू सर। मैम आपका नाम? मेरा नाम अंजलि श्रीवास है। अंजलि श्रीवास मैम, कैसा था आपका पेपर? मेरा पेपर अच्छा, एवरेज था। एवरेज था, ओके। तो क्या मैम आपका क्या कितना स्कोर आपको, मार्क्स आपको लग रहा है कि आपको? 75 है, दैट्स वेरी गुड। तो मैम जो सब्जेक्ट अभी इस बार आए हैं, तो मतलब सेक्शंस वाइज थे या मिक्स्ड थे? मिक्स्ड थे, सेक्शन वाइज नहीं। अच्छा, मिक्स्ड थे, ओके, दैट्स वेरी नाइस। सो मैम जैसे मैनेजमेंट अभी हमारा नया ऐड हुआ है, सो उसके बारे में आप कुछ ब्रीफ करना चाहें? यस सर, काफ़ी अच्छा था उसमें से। काफ़ी अच्छा था, ओके, दैट्स वेरी नाइस। हाय मैम, आपका नाम? कविता ठाकुर। मैम कैसा था आपका पेपर? सर अच्छा था पेपर, बाकी पेपर इतना टफ नहीं था। अच्छा, जिन्होंने मेहनत किया था उनके लिए अच्छे मार्क्स आए, हमारे रूम पे अच्छे मार्क्स। अरे वेरी नाइस मैम, आपका कॉन्फिडेंस। तो मैम कैसा लग रहा है, मतलब सेक्शन कैसे आए थे, मतलब मिक्स्ड थे या मतलब सेक्शन वाइज था सब? सेक्शन वाइज था। अच्छा, तो क्या स्कोर लग रहा है मैम आपको, क्या स्कोर आपका बना है? सर मेरा 93 है, बाकी क्लास में अच्छा गया। क्लास में अच्छा गया, ओके मैम। ये पूछना कि क्या डिफरेंट एक्चुअली, कैसे सेक्शन आज सेक्शन है ना, अलग अलग, जैसे 25-25 मार्क्स बोल रहे थे ना, वैसा नहीं आया। ओके, कभी 30 आ रहा है, कोई 45 आ रहा है। ओके, करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पूछे। सर कैसा था आपका एग्जाम? बहुत अच्छा था। तो सेक्शन मतलब कैसे आया, डिफिकल्ट था कैसे? ये मतलब डिफिकल्ट नहीं रहा, जो हमारे समाज से रिलेटिव है ना, उसी से क्वेश्चन आया। ओके ओके, एंड सर मैनेजमेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा जर्नलिज्म हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उसी से रिलेटिव रहा क्वेश्चन वगैरह। कितने सर अपने अटेम्प्ट, मतलब कितने आप क्वेश्चन? तो मैंने हालांकि पूरे अटेम्प्ट किए हैं, बस लास्ट के जो रहे वो कुछ छूट गए हैं, बाकी रिजल्ट बताते हैं। क्या कट ऑफ पेपर? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा रहा। सर मैनेजमेंट अभी ऐड हुआ है, हाँ, तो उसके बारे में कुछ ब्रीफ? नहीं, मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, बाकी सब वही है। अच्छा अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सर आपको। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, क्या मतलब सेक्शंस आपने कितने अटेम्प्ट किए? वो तो पूरे किए थे। अच्छा, मगर उसमें से आए 120। अच्छा अच्छा, जैसे अपना मतलब क्या आप बोल सकते हो, मॉडरेट डिफिकल्टी मतलब कितनी लगी आपको? मतलब ऐसा है कि मैथ रीडिंग तो अच्छी आई, मतलब लेवल भी अच्छा रहा जी, और मजा भी आया करने में। ओके ओके, थोड़ा सा क्या है अंग्रेजी में दिक्कत हुई। अच्छा, तो क्या है हिंदी मीडियम से थोड़ी दिक्कत होती है, वो कंप्यूटर का जो लेवल था वो ही बड़ा अच्छा रहा। ओके, और प्रबंधन तो फिर प्रबंधन है। हाँ जी जी, उसमें हम भी प्रबंधन हो गए, तो इस प्रकार से थोड़ा ये मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही थी। ओके ओके, उसमें ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन सही है। अच्छा, तो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ के गया तो उससे कुछ नहीं बनेगा, जो मतलब अच्छे से पढ़ के गया है ना उसी से बनेगा। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए।